हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो मैं एक और लेक्चर या कह सकते हैं एक और आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले यूके पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो आप लोअर के एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हों या अपर पीसीएस के एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हों, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आ सकता है। और वो है आपका, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, क्योंकि आर्टिकल 32 में आता है अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ठीक है। और अगर हम बात करें किसके, हाई कोर्ट की बात करें, तो वो आपका आर्टिकल 226 में आपका आता है। तो देखिए, यहीं से आपको कह सकते हो कि प्रीलिम्स के लिए भी एक डाटा मिल गया कि भाई कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में आता है जिससे वो रिट्स इशू कर सकते हैं, रेमेडीज मिल सकती हैं, या कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें हाई कोर्ट रेमेडीज या रिट इशू कर सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। और लगातार अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेजिए। और 11 to 1 की हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस में चल रही हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें कि जो ये रिट्स है इसके बारे में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने क्या कहा था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ न्यूलिटी, यानी कि नल एंड वॉइड होते। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि अगर ये आर्टिकल नहीं होता, 32 नहीं होता और 226 नहीं होते, तो आपका पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही क्या होता, नल एंड वॉइड, किसी काम का नहीं होता। इतनी ज़्यादा क्या दे रखी थी इन्होंने इस आर्टिकल को, इम्पोर्टेंस दे, ठीक। देन अगर हम बात करें कि जो ये आपकी रिट्स हैं जो कि रेमेडीज में आती हैं, आर रिटन ऑर्डर्स इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन फॉर्म अ वायोलेशन, ठीक है। देखो, मीन्स में आपको लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी लिखनी है जिससे जो आपका एग्जामिनर हो वो तुरंत आपको अच्छे नंबर, ठीक है। देन रिट्स ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ, ठीक है, क्योंकि लगभग हम इंग्लिश लॉ से काफ़ी कुछ क्या है, इंस्पायर है। वेयर दे आर नोन एज प्रीरोगेटिव रिट्स, वहाँ पर इनको ये प्रीरोगेटिव रिट्स कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है उसको हम लोगों ने ये किसके अंदर रखा है, आपका रेमेडीज के अंदर या रिट्स के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। फिर एक और फैक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, थर्ड फैक्ट, उससे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। और वो क्या है कि पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट हैज अ एक्सक्लूसिव राइट कि जो ये रिट इशू करने की पावर है वो किसी भी कोर्ट को दे सकता है। तो देखो, ये प्रीलिम्स के लिए भी एक क्वेश्चन आपका बन गया कि रिट्स, जैसे भी हम जानते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये जो रिट्स है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ये रिट्स फिर लोअर कोर्ट भी इशू कर सकता है, लेकिन ये किस पर डिपेंडेंट करेगा, पार्लियामेंट। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, आपको एक हाफ मार्क्स या एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है। अब बात करते हैं कि जो ये रिट्स है हमारे यहाँ कौन कौन से रिट्स हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले रिट्स है हेबियस कार्पस, बताना चाहूंगा यहाँ पर। ये सारे के सारे आपके क्या है, लैटिन वर्ड्स हैं, इसलिए थोड़े से आपको पढ़ने में, क्योंकि इंग्लिश नहीं है, लैटिन वर्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब लग सकते हैं। तो पहले आपका है हेबियस कार्पस, उसके बाद सर्टेलियो, प्रोहिबिशन, मैंडेमस और क्योरेंट। तो देखो, जब आप 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और इस 10 नंबर में जब ये आप पांचों रिट्स लिख के आएंगे, तो सबसे 2 नंबर तो आपको वैसे पक्के हो। और स्पेलिंग सही लिखना, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर आपको गलत स्पेलिंग के नंबर नहीं देगा, उल्टा नंबर काट। मुझे आपको समझ में आ रहा। चलिए अब हेबियस कार्पस, ये सारी रिट्स को एक एक करके समझते हैं क्या चीज़। सबसे पहले हम लेंगे हेबियस कार्पस, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो देखिए पढ़ते हैं इसको। हेबियस कॉर्पस, जो आप वहां अपने मेंस में लिख के आएंगे, इज अ रिट दैट इज इन्फोर्स्ड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स टू लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। तो हेबियस कॉर्पस का जो मेन आपका है वो यही है कि जब भी किसी पर्सन का अनलॉफुल डिटेंशन होता है, आपको पकड़ा जाता है, इलीगल तरीके से बंद किया जाता है, तभी आपकी ये जो रिट है वो इशू की जाती है। एक तो ये आपको एक बेसिक फैक्ट याद रखता है, ये चीज नॉलेज आपके फिल्म में भी काम आ सकती है। देन दिस रिट कमांड्स अ पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, जो भी होगा पब्लिक ऑफिशियल, टू डिलीवर अ डिटेन्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट एंड प्रोवाइड वैलिड रीजन फॉर द डिटेंशन। अब इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक्स जो है, एक्स को हमने जेल के अंदर बंद करके रखा है, तो क्या हुआ भाई, एक्स का कोई आपका क्या हो गया, फ्रेंड हो गया, या एक्स का कोई फैमिली मेंबर हो गया, वो क्या करेगा, एक हेबियस कार्पस रिट जो है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में एंटरटेन, यानी कि वो कराएगा, एंटर करवाएगा, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उस
जेल के जेलर से बोलेंगे कि भैया ऐसा है कि उस पर्सन को मेरे सामने लेके आओ जिसको आपने डिटेन करके रखा है, क्योंकि ऐसा एलिगेशन लगाया है कि आपका जो डिटेंशन है वो इलीगल है, और साथ में वैलिड पेपर्स भी लेके आना। अब साफ सी बात है कि अगर एक्स जेल के अंदर है तो क्यों जेल के अंदर होगा, किसी कोर्ट ने, चाहे वो लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, या हाई कोर्ट हो, या खुद सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें सजा सुनाई होगी, यानी कि उसके पेपर उस जेलर के फाइल में रखे होंगे कि भाई ये फलाना एक्स को इसलिए मैंने जेल के अंदर बंद करके रखा है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो फिर जेलर, पुलिस सब जो है पनिशमेंट के लायक होंगे। ये आप अपने मीन्स में आंसर में लिख सकते हैं, इसको अपनी लैंग्वेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगी, कि हेबियस कार्पस पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट में तो होती होती, जैसे अभी मैंने बताया एग्जांपल जेलर हो गया या कोई भी ऑफिशियल कस्टडी ऑफिशियल हो गया, साथ ही साथ ये प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट भी होती है। अब प्राइवेट पर्सन कैसे, मैं अक्सर अपनी जो मेरी लाइव क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज लेता हूँ, उसमें मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक फादर है और उस फादर ने अपनी डॉटर को, क्योंकि 18 प्लस है और अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, लेकिन फादर नहीं चाहते कि वो शादी करे अपनी मर्जी से, फादर चाहते हैं कि उनकी मर्जी शादी करो, घर में बंद करके रखा, तो उस लड़की का कोई भी आपका फ्रेंड हो या कोई भी आपका अदर देन फैमिली मेंबर या खुद फैमिली मेंबर जो उसके साथ नहीं रहते, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे, फादर को रिट दायर होगी हैबियस कॉर्पस, फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज फादर को बोलेंगे कि अपनी डॉटर को हमारे सामने लेके आओ। अब ये बताओ कि अगर वो 18 प्लस में है तो वो उसकी मर्जी है, वो किसी से भी शादी करे, अपनी ज़िंदगी कैसे भी रहे, क्योंकि वो एडल्ट एज में आ चुके। तो आपको याद रखना है हैबियस कॉर्पस पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट में, और यही पॉइंट अगर आप अपने मेंस में लिखेंगे, शुरू में ही लिखेंगे आप जब आंसर मेकिंग करेंगे, तो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा 2 मार्क्स। तो जितना ज़्यादा आप आंसर अपना प्योरीफाई करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आंसर को जितनी बार आप लिखते जाएंगे, आपका आंसर उतना बेहतरीन बनता है। अब दूसरे में आते हैं मैंडेमस, जो रिट है आपकी वो क्या होती है, पहले पढ़ते हैं इसको क्या है। द रिट ऑफ मैंडेमस इज इश्यूड टू सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और अ कॉरपोरेशन और इंस्टीट्यूशन कमांडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन एक्ट और ड्यूटी। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो भाई मैंडेमस होती है या तो लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट में होगी, या तो ऑफिसर, एग्जाम्पल समझाने के लिए जैसे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनके अगेंस्ट में होगी, और अ कॉरपोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन कमांडिंग हिज फंक्शन। यानी कि समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक डीएम या एक एसडीएम या एक नायब तहसीलदार की जो ड्यूटी होती है, अगर वो ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में ये रिट दायर करवा सकते हैं कि भाई जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, जो उसकी ड्यूटीज है, क्यों नहीं वो परफॉर्म कर, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट देखिए जो आप लिखेंगे वहां पर, कैन नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट के अगेंस्ट में नहीं होती, जो पहली वाली हैबियस कॉर्पस कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया, ठीक है। देन क्यो वारंटो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यो वारंटो इज इश्यूड अगेंस्ट द पर्सन हु क्लेम्स और असर पब्लिक ऑफिस थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायरी बाय व्हाट अथॉरिटी द पर्सन सपोर्ट हिज और हर क्लेम। दो दिस रिट द कोर्ट इंक्वायरी इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, दिस रिट प्रिवेंट्स द इलीगल एग्जम्पशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय अ इंडिविजुअल। देखो ये आपकी बुकिश लैंग्वेज है, अगर आप चाहें तो उसको पूरा आप रट्टा मार सकते हैं, तो लिख के आ सकते हैं, या कुछ इसके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे आपने लिखा बाय व्हाट अथॉरिटी, उसके बाद जो सिंपल लैंग्वेज है उसका अगर आप यूज करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। जैसे पहले आप समझ लें क्यू वारंटो होता क्या है। क्यू वारंटो सबसे पहली शर्त तो ये है कि इट इज ऑलवेज इश्यूड अगेंस्ट दी पब्लिक बॉडी, हमेशा ये पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट में होता है। और अक्सर मैं अपनी जो क्लासेज होती हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेज होती हैं और ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, उसमें अक्सर बताता हूँ इसे एग्जाम्पल के तौर पर, कि एक एक्स जो है उसको हमने क्या बना दिया, प्रोफेसर बना, ये पढ़ने बहुत अच्छा था भाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द यूजीसी, एक्स का प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी है कि या तो ये उसके पास पीएचडी डिग्री हो एंड प्लस वो नेट क्वालिफाइड। लेकिन हमने क्या देखा कि जो एक्स है वो खाली पीजी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है, नॉलेज उसके पास बहुत है, पर जो पेपर वर्क मांग रखा था कि पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए प्लस आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या हो सकता है नेट क्वालिफाई ना हो, पीएचडी डिग्री भी हो चलेगा, तो उसको प्रायोरिटी जो है, मतलब वही जो है प्रोफेसर के पोस्ट पर आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप एक्स के खिलाफ करेंगे कि भाई व्हाट अथॉरिटी, क्यों तुम यहाँ बैठे हो, यानी कि भाई जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो तुम फुलफिल करते नहीं हो, तो तुम यहाँ पे बैठ कैसे गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब क्यो वारंटो किसी भी हालत में अगेंस्ट दी प्राइवेट बॉडी जो है वो इश्यू नहीं है, ठीक है।
और ऐसे मान लीजिए किसी को आउट ऑफ द टर्न, क्योंकि जूनियर को प्रमोशन मिल गया, तो आप उससे सीनियर थे, आप उसके अगेंस्ट में कर सकते हैं कि भाई प्रमोशन तो मेरी बारी था, उसको कैसे मिल गया। तो ये हो गया क्यों रेंट। अब आते हैं अगली रिट में हम लोग, वो है आपकी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इज अ रिट इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में होती है, टू इन्फोर्स इन एक्टिविटी इन दी जुरिस्डिक्शन। यानी कि अगर वो आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन लोअर कोर्ट है काम करने की कोशिश करे, तो हमेशा हायर कोर्ट उसको प्रिसिट कर दे। इट हैपन्स ओनली इन केस ऑफ हायर कोर्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन दैट द केस फॉल आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोअर कोर्ट, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देन सर्टेरियो क्या है? द रिट ऑफ सर्टियो इज इश्यूड टू अ लोअर कोर्ट, वही हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, डायरेक्टिंग दैट द ट्रांसफर ऑफ केस फॉर अ रिव्यू यूजली टू ओवर रूल द जजमेंट ऑफ द लोअर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर आप लोअर कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब प्रोसीडिंग, सॉरी, आप प्रोसीडिंग से सेटिस्फाइड नहीं है और जजमेंट अभी आया नहीं है, एंड यू वॉन्ट टू ट्रांसफर दैट केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू अदर कोर्ट, चाहे आप जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि वो नैनीताल हाई कोर्ट में आ जाए या MP चला जाए, तो आप ये रिट दायर कर सकते। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा। तो ये 5 रिट्स हैं, और 10 मार्क्स में अगर आप इतना लिख के आते हैं जितना मैंने आपको डिक्टेट किया, प्लस मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्लो चार्ट बनाना मत भूलना। अब आप बोलेंगे सर फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, तो फ्लो चार्ट ये है कि जैसे ये आपका पन्ना है, और यहीं पर जब आप रिट्स के बारे में आंसर लिखना शुरू करें, तो यहाँ पर आपने रिट्स लिख देना है और एरो बनाना है, और आर्टिकल 32 लिख देना, और साथ में 226 लिख देना, इसके नीचे सुप्रीम कोर्ट लिख देना, इसके नीचे हाई कोर्ट लिख देना, और जो आपके पांचों रिट्स हैं उनको आप ऐसे फ्लो चार्ट में बना दें। आपको कितने बेहतरीन नंबर मिलते हैं। ये था एक वीडियो इस टॉपिक पे, जो मुझे लगता है कि आपके लोअर PCS मेंस में या अपर PCS मेंस में आ सकता है, या प्रीलिम्स में भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक में जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। और दोबारा रिमाइंड करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी अभी लाइव ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर शुरू में दे रखा है, आप उस पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस जुड़ सकते हैं। हम लोग लगातार जो है, जो आपका अपर PCS के उसके जो कोर्सेज हैं और जो टॉपिक्स हैं, फटाफट हम लोग कम्प्लीट। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो।